हेलो गैज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। गैज, आज हम ने बनाया है छोला और आलू टमाटर की सब्जी, और यहाँ पे दो दो भगोना पे बनाया है बहुत सारे लोगों के लिए। आज चौथ माता का व्रत है हमारा, और चौथ माता का हम उजन्ना कर रहे हैं, इसलिए बनाया है 30 लोगों को खाना। और गैज, यहाँ पे देखो बाल्टी पे धना धुला है, ये देसी जुगाड़ है देसी लोगों की। गैज, यहाँ पे देखो इतना सारा धना वो करा है, इस पे डालेंगे धना। और यहाँ पे ये पूड़ियाँ हैं, सॉरी मक्खी बहुत सारी आ रही है गैज यहाँ पे, और हमारे अंदर भी पूड़ियाँ निकल रही हैं। यहाँ पे चाची हमारी पूड़ी निकाल रही है, ये देखिए पूरी फूल रही है। हाँ गाइस, ये सारी पूड़ियाँ निकल रही हैं। हाँ, ये निकल चुकी हैं, और भी हमें बहुत सारी पूड़ियाँ निकालना है गैस यहाँ पर। और मैं आपको और भी दिखाऊंगी। 30 लोगों का खाना है हमें, मतलब हमारे 11 लोगों को खाना देना है। यहाँ बहुत सारे बर्तन रखे हैं गैस, ये पूड़ी बेल रही है, और यहाँ पे ये हलवाइन बैठी है, ये हलवाईगिरी कर रही है छोला की सब्जी बनाने की। तो हलवाई ने रे बाबा हलवाई बना दिया का सलवा दे हलवाई के जैसे। सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम धना ऐड कर दिया है, हरा धना। और इसकी रेसिपी मैं डालना भूल गई, पहले दिमाग में नहीं था ना, मैं छोला की रेसिपी आपके लिए ले आती जरूर। तो गैज, आप इसी में ही देख लो बना हुआ, ये आलू छोला की सब्जी है, बहुत यम्मी यम्मी है, आप भी देख सकते हैं गैज यहाँ पर। और बाय बाय। और गैज, यहाँ पर आज सब्जी बनकर रेडी हो गई थी, और आप भी देखिए कितनी यम्मी यम्मी दिख रही है देखने में, और बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही यम्मी थी। और बनाया था गैज हमने, बहुत सारे लोगों का खाना बनाया था, 30 लोग बाहर के थे, 10-15 लोग घर के थे, तो 40 के आसपास का आंकड़ा निकला था खाना बनाने में। गैज, बहुत सारे लोगों का बनाया था, पूरा दिन बिजी डे था हमारा। और गैज, यहाँ पर ये आपको दिखा रही हूँ, जो जितने प्लेटें हैं ना, तो ये 11 घरों में खाना हमें देना था, तो इसलिए एक प्लेट देते हैं। और खाना जितना भी हो यहाँ पे रखा है ना, आपको दिख रहा है रसगुल्ला पूड़ी नमकीन, तो ये लोग भी थाली में खाते हैं। मैं थाली का वीडियो शूट करना भूल गई थी, ये सब लोग खाते हैं एक थाली में, सबके घर में जाके देते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी की तैयारी है, ये जो नियम है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर गए हम सब बैठ के कहानी सुन रहे थे, ये मेरी देवरानी है, ये मेरा पुग्गू है। और गैज, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गैज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे गैज हम कहानी सुन रहे थे, और उसके बाद में मैंने ये लड्डू को अपने खाना खिलाया, देखो मेरा ये लड्डू खाना खा रहा है। और प्लीज़ गैज एडजस्ट कर लेना, आप ये मत बोलना कि तुम लोग कैसा घर पे वो रखे हो, कैसा मकान को बना के रखे हो, ऐसा मत बोलना गैज, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों का खाना बना रहे थे, तो हमारी रसोई छोटी है, तो रसोई में इतना एडजस्टमेंट नहीं होता, इसलिए हम बाहर खाना बना रहे थे, तो सब ऐसा सब कुछ फैला हुआ था, बहुत सारे लोगों का खाना बनाया था। तो गैज, आप ये मत बोलना प्लीज़ गैज कि आप लोग कैसा ये फैला के रखे हो। और मैं यहाँ लड्डू को खाना खिला रही थी, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये बताना चौथ माता के व्रत कौन कहाँ करता। हमारे साल में 4 चौथ आती हैं, तो हम चारों चौथ माता के व्रत करते हैं, और लोग तो करवा चौथ का ही अकेले करते हैं, बट हम सारे चौथों का व्रत करते हैं। और जितने भी चौथ करते हैं इनका सबका उद्यापन करना पड़ता है या उजन्ना करना पड़ता है। और बाय बाय गैज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गैज चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय बाय।